चंद्रयान ने अब तक क्या-क्या खोजा इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हमें अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं तो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर बन जाती है, और जब सोलर रेडिएशन होता है तो चार्ज आयनोस्फीयर्स बन जाता है, क्योंकि अनचार्ज आयनोस्फीयर जिस तरफ की सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। इसी तरह आयनोस्फीयर चंद्रमा के किनारे भी पाया गया तो वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ कि जब वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो कैसे वहाँ पर आयनोस्फीयर मिल गया। तो स्टडी करने पर नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि जो डस्ट चारों ओर चंद्रमा के होते हैं उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो आयनाइज हो जाते हैं और उसमें चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आयनोस्फीयर चंद्रमा के चारों ओर बन जाता है, जिसको वैज्ञानिकों ने एक्सोस्फीयर बोला। लेकिन जो ये आयनोस्फीयर बनता है इसके पार्टिकल बहुत शार्प होते हैं तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बड़े हार्मफुल हो सकते हैं और कैमरा सेंसर के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जब उस पर कैमरा या सेंसर पे आ जाएंगे तो उसकी रीडिंग को ख़राब कर देंगे। अगर अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े में चिपक जाएंगे तो वो अंतरिक्ष यात्रियों को भी हार्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात पता लगी कि वहाँ पे यात्री जाएं तो किस तरह से जाएं और कैमरा और सेंसर को कैसे उनसे बचाया जाए। अब हम लोग ये देखेंगे कि विक्रम में जो रंबा पेलोड लगा हुआ है वो लगातार मून के डस्ट की स्टडी कर रहा है और उसकी थर्मल प्रॉपर्टी को जान रहा है, और ये फाइंड आउट किया उसने कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वेरी करता है, क्योंकि जिस समय सूरज पड़ता है उस समय टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और जिस समय सूरज नहीं पड़ता है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और ये पता कर रहा है कि गुड और बैड कंडक्टर कौन से हैं मटेरियल्स में, एलिमेंट्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं सॉइल को कंडक्ट करके, जिससे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिससे डेवलपमेंट जो होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पेलोड चेस्ट है, जो कि थर्मल प्रॉब लगा हुआ है इसमें और टेम्परेचर को मेज़र करता है, जिसने ग्राफ जारी किया इसरो ने और बताया कि ऊपर तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और जब 80 mm नीचे जाते हैं तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, जो अर्थ की अपेक्षा बहुत अधिक है, हाई साइड भी और लो साइड भी, और इससे बहुत अधिक प्रॉब्लम हो सकती है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड स्टेशन पे इस सब को देख करके हेल्प ले रहेंगे। थर्ड प्रॉब है हमारा इल्सा, जो लूनर एक्टिविटी, भूकंप आदि को मेज़र करता है और मेज़र एनर्जी वेव्स एमिट बाय अर्थक्वेक, जो ज़्यादातर 5 से 5.9 के बीच में वैरी करते हैं, वो चंद्रमा पे आते रहते हैं। इसके अलावा लूनर वॉलेटाइल स्टेट पाई गई, जिसमें टेम्परेचर वेरी करता है 200 डिग्री से लेकर -200 डिग्री तक सूरज के निकलने और ना निकलने पर, जिसकी वजह से जो मटेरियल होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कोई एस्ट्रॉयड गिरता है चंद्रमा पर तो उसका सरफेस जो होता है वो मेल्ट होकर के कोर में चला जाता है और मेंटल में जाके स्टोर हो जाता है चंद्रमा के, और इसी में दफन हो जाने की वजह से जब हम स्टडी करना होता है तो हमको इंटीरियर में जाकर के उसकी इंफॉर्मेशन को निकालना होता है। इसके लिए रोवर में 2 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें 2 सोलर पैनल फ्रंट और बैक और 6 पहिया लगा हुआ है और कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि वो डिफरेंट सिचुएशन को स्टडी करता है। और इसमें पहला पेलोड जो है वो है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो डिटरमाइन करता है एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द लूनर सॉइल एंड रॉक अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट, और दूसरा है लिब लेज़र इंडक्टिव ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि
चंद्रमा के पदार्थ को जलाकर रोशनी क्रिएट करता और वेवलेंथ से पता करता है कि इसके थ्रू जलने के बाद जीवन को उत्पत्ति की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। जानते हैं कि सूरज ने चंद्रमा पर पानी और मंगल पर सोडियम और पोटेशियम को ख़त्म कर दिया और इसकी रेज इतनी तेज होती है। मून की उत्पत्ति अर्थ पर थिया नाम के एक ग्रह के टकराने से हुई, जिसमें पृथ्वी का एक पार्ट हट करके अलग हो गया और चंद्रमा बन गया। इसलिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी उसमें अधिक से अधिक पाई जानी संभव है, जो सोलर विंड की वजह से मून पर रिकॉर्ड हो गई है और ग्लास पिक्स नाम की एक प्रॉपर्टी पाई गई, जिसमें मून की मिट्टी जो है वो उछलती है और पानी के साथ, और जब वो नीचे गिरती है तो एटमॉस्फेयर इतना ठंडा हो जाता है कि वो बीड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे ग्लास पिक्स कहते हैं। तो इन ग्लास पिक्स में पानी के होने की बहुत अधिक संभावना है, जिससे कि बहुत कुछ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है और बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि लूनर सरफेस अब श्रिंक कर रही है और धीरे धीरे उसमें उसी तरह से श्रिंक कर रही है जैसे किशमिश में पंच करने पर वो सिकुड़ जाती है। इस तरह से लूनर सरफेस पे तीन खतरे हैं कि मीटरॉइड्स अगर आकर के उस पर स्ट्राइक करते हैं तो बड़े बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं, और साथ ही में हमारे चंद्रयान 3 को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसके लैंडर और विक्रम को, जिससे कि कम्युनिकेशन ख़त्म हो सकता है और इसरो के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आनी बंद हो सकती है। तीसरा, उस वहाँ पर जो बड़े भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उससे 5 से 6 रिएक्टर स्केल तक भूकंप आते हैं, जिसको LIBS की सहायता से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। उस पर बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से इसरो ने डिसाइड किया है कि हम कृत्रिम एनवायरनमेंट को डेवलप करेंगे, जिससे वहाँ पर खेती की जा सके, कॉलोनी बसा सके और लोग रह सकें और सेफली वापस आ भी सकें। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिससे कि सारे वर्ल्ड में तहलका मच गया। एलन मस्क जो बहुत पहले ये करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो अब इंडिया करेगा। इस तरह से इसरो के 5 ऑब्जेक्टिव हैं: एनालाइज सॉयल एंड एटमॉस्फेयर, कैप्चर इमेज, चार्ट मैप्स, स्टडी कंपोजिशन ऑफ सॉयल एंड रॉक, लुक फॉर वाटर एंड पास साइन ऑफ लाइफ। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो इसरो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर पाएगा। ऐसा देखा गया है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और विक्रम के ऑर्डर पे ही प्रज्ञान आगे की तरफ बढ़ता है और परमिशन ले लेता है, और आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन हर 5 घंटे पे वो रुक जाता है, क्योंकि उसको सोलर एनर्जी नहीं मिल पाती तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को इसरो तक नहीं भेज पाता है। और यदि इन्फॉर्मेशन इसरो तक पहुंच जाती तो वहाँ 3 टीम है, जिसमें पहली है गाइड टीम जो कि पाथ को बताती है, दूसरी है मॉनिटर टीम जो कि उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है, और तीसरी है मैकेनिज्म टीम जो कि मशीन की को समझाता कि कैसे काम करो। ये धारणा कि विक्रम और लैंडर फुल्ली ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं है, इसरो के कंट्रोल में है और ज़रूरत पड़ने पे इसरो उनको इंस्ट्रक्शन देता है, जबकि ऑन बोर्ड उनके AI मौजूद है जो कि अपने डिसीजन लेता है और गड्ढों को देख करके लैंडर अपना डायरेक्शन बदल देता है, लेकिन फिर भी इसरो उन लोगों की हेल्प करता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ मानव आकृति भी पाई जा रही है, जो हो सकता है एलियंस हो, क्योंकि ये रोवर खींच के भेज रहेगा, तो साइंटिस्ट लोग अभी भी उसको स्टडी कर रहे हैं और कह रहे हैं हो सकता है किसी उसमें रह रहा हो, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना अधिक रेडिएशन है
कि किसी जीव का पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिट्टी भी वहाँ पे जल जाती है जब, तो किसी के एग्जिस्ट होने से बहुत मुश्किल काम है। और आगे अगर कुछ मिलता है तो हम आप लोगों को रिपोर्ट देंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप प्रेस बेल ऑल दबाइएगा। थैंक यू।